हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एनएन स्पोर्ट्स। मैं हूं रवीश और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। आप एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को आप शेयर करिए। चलिए आज हम बात करेंगे टीम इंडिया के नए कप्तान की। आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से टीम इंडिया की परफॉर्मेंस लगातार इंक्रीज होती जा रही है। टीम इंडिया नए नए इतिहास रच रही है, विदेशी सरजमी पर भी टीमों को पस्त कर रही है। और हालिया अगर आप इंडिया न्यूजीलैंड टी20 सीरीज की भी हम बात करें तो उसमें भारत ने न्यूजीलैंड को उन्हीं के घर में 5-0 से पस्त कर दिया। लेकिन हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया के नए कप्तान की। कौन है टीम इंडिया का ये नया कप्तान, आइए आपको बताते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए पांचवें और आखिरी टी20 मैच में कप्तान विराट कोहली को आराम दिया गया था। इससे पहले चौथे मैच में रोहित शर्मा को आराम दिया गया था। पांचवें मैच में रोहित शर्मा ने वापसी की और न केवल वापसी की बल्कि कप्तान के तौर पर वापसी की। इस मैच में ऐसा पहली बार हुआ कि टीम इंडिया ने इस सीरीज में टॉस जीता हो। इससे पहले जो 4 मैच हुए थे उन चारों में विराट कोहली टॉस हार गए थे, लेकिन रोहित शर्मा ने कप्तान बनते ही टॉस को अपने नाम कर लिया और भारत मैच में पहले बल्लेबाजी के लिए उतरा। मैच की खास बात यह रही कि रोहित शर्मा कप्तान तो बने ही, साथ ही बल्लेबाजी के लिए भी उसी नंबर पर आए जहां विराट कोहली उतरते हैं, यानी नंबर 3। रोहित शर्मा और टीम मैनेजमेंट ने एक बार फिर संजू सैमसन को सलामी बल्लेबाजी के लिए उतारा। हालांकि वो चौथे मैच की तरह ही इस बार भी कुछ खास नहीं कर सके और जल्द आउट होकर पवेलियन चलते बने। इसके बाद फिर वही जोड़ी मैदान में दिखी जिससे दुनिया भर के गेंदबाज अब खौफ खाते हैं, रोहित शर्मा और केएल राहुल। हम जिस टीम इंडिया के नए कप्तान की बात कर रहे हैं उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ हालिया टी20 सीरीज में गजब का प्रदर्शन किया। इस खिलाड़ी ने अपने बल्ले से तो रन की बरसात की ही, लेकिन जब जिम्मेदारी कुछ और भी मिली उसको भी बखूबी निभाया। किस तरीके से इस खिलाड़ी का प्रदर्शन रहा है हाल फिलहाल में, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। भारत का पहला विकेट जिस वक्त गिरा तब भारत का स्कोर 8 रन था। उसके बाद रोहित शर्मा और केएल राहुल ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। रोहित शर्मा ने तो अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। हालांकि केएल राहुल 33 गेंदों में 45 रन बनाकर आउट हो गए और वो अपना अर्धशतक पूरा नहीं कर सके। जैसे ही रोहित शर्मा ने अपना अर्धशतक पूरा किया उसके बाद रोहित शर्मा की नसों में खिंचाव आ गया। मैदान पर फिजियो को बुलाया गया और रोहित शर्मा का इलाज भी हुआ। इसके बाद रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी शुरू की। उन्होंने इसके बाद एक छक्का भी मारा लेकिन वो अभी भी ठीक महसूस नहीं कर रहे थे। इसके बाद 41 गेंदों में 60 रन बनाकर वो रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन चलते बने। लेकिन उनके रिटायर होने और वापस ना आने से एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। वो सवाल था कि इस मैच में भारत की कप्तानी कौन करेगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें टी20 मुकाबले में विराट कोहली टीम का हिस्सा नहीं थे। उसके बाद रोहित शर्मा भी इंजरी की वजह से रिटायर्ड हर्ट हो गए। अब ऐसे में टीम मैनेजमेंट के सामने समस्या ये थी कि कप्तानी की जिम्मेदारी किसे दी जाए। नाम श्रेयस अय्यर का भी जहन में आ रहा था क्योंकि वो दिल्ली कैपिटल्स के लिए आईपीएल में कप्तानी करते हैं, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने भरोसा जताया लोकेश राहुल पर जो कि शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। और इस सीजन यानी कि अगर मैं आईपीएल के सीजन की बात करूं तो किंग्स 11 पंजाब की कप्तानी करते हुए लोकेश राहुल नजर आएंगे। लोकेश राहुल ने जबरदस्त कप्तानी की और उनकी कप्तानी में भारत ने 7 रन से मुकाबले को अपने नाम किया। ये तो रही मैच की बात, लेकिन इस पूरे प्रकरण ने टीम इंडिया की बड़ी मुश्किल लगता है आसान कर दी है। अभी टीम की कप्तानी विराट कोहली कर रहे हैं, वो अब करीब 31 साल के हो गए हैं। विराट कोहली को कप्तानी मिली है लेकिन इसके बाद भी उनकी बल्लेबाजी पर कोई असर नहीं पड़ा है। वो लगातार हर मैच में कोई ना कोई रिकॉर्ड अपने नाम कर रहे हैं, लेकिन 31 साल के हो चुके विराट कोहली बहुत दिनों तक टीम इंडिया की कप्तानी संभालेंगे ऐसा लगता नहीं है। जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी ने अपने खेलते ही कप्तानी छोड़ दी और कप्तानी विराट कोहली को दे दी, उसी तरह कभी ना कभी विराट कोहली भी कप्तानी किसी और को सौंप सकते हैं। अभी विराट की गैर मौजूदगी में रोहित शर्मा कप्तानी करते हैं लेकिन वो भी अब 32 साल के हो गए हैं। ऐसे में नहीं लगता कि आगे वो कप्तानी करेंगे। वो कुछ मैचों की कप्तानी तो कर सकते हैं लेकिन जब लंबे समय तक के लिए कप्तान की खोज होगी तो रोहित शर्मा का नंबर भी नहीं आएगा। केएल राहुल कप्तानी के एक बड़े दावेदार बनकर सामने आए हैं। केएल राहुल की उम्र अभी सिर्फ 27 साल है और ऐसे में वो अपने आप को कप्तानी के तौर पर ग्रूम कर सकते हैं। हालांकि वो कप्तान कब बनेंगे ये सब कुछ इस पर डिपेंड करेगा कि विराट कोहली की कप्तानी की पारी कहां तक चलती है, लेकिन हाँ सेलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट के सामने एक विकल्प तो तैयार हो ही गया है। वैसे एक बात और है कि एक वक्त ऐसा भी आया जब केएल राहुल टीम इंडिया में अपनी जगह बनाने के लिए छटपटा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी कमजोरियों पर काम किया और अब वो शानदार बल्लेबाज बनकर उभरे हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई सीरीज में वो मैन ऑफ द सीरीज भी बने और उन्होंने हर मैच में शानदार पारियां भी खेली। इन 5 मैचों की ही बात करें तो केएल राहुल ने 56, नाबाद 57, 27, 39 और 45 रनों की पारी खेली। इससे उन्होंने टीम में अपनी जगह तो पक्की कर ही ली है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हम आपका फीडबैक जानना चाहते हैं। इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जितना ज्यादा हो सके इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे YouTube स्पोर्ट्स चैनल NN स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। NN स्पोर्ट्स के नाम से हमारा फेसबुक का पेज है, इसे लाइक कर सकते हैं।